आपका हो उनका पूरा 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 उद्धार कर सकता है उद्धार कर सकता है क्योंकि क्योंकि वह उनके लिए विनंती विनती कर रहे सर्वदा जीवित है सर्वदा जीवित है। ताली बजा के एक और बार उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दें जो निरंतर जीवित है जो मेरे लिए आपके लिए सर्वदा विनती करने के लिए तैयार है और इस कारण वो पूरा पूरा उद्धार करने का ताकत रखता है। 26 को भी पढ़ लीजिएगा। अतः ऐसा ही महायाजक ऐसा महायाजक हमारे योग्य था हमारे योग्य है जो पवित्र है और निष्कपट निष्कपट और निर्मल निर्मल और पापियों से अलग पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो किया हुआ हो। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में मैं यहाँ लगातार आपके बीच में उनके बारे में बतलाने के लिए कोशिश किया कल उसके बारे में एक सच्चा और अच्छा वर्णन को आप देखते हैं। प्यारो मैं कल कोशिश कर रहा था प्रभु यीशु मसीह जब जो हमें उद्धार देने के लिए आया है कि उसका क्या काम है उसको मैं बली बांति पहचान कराने के लिए मैं कोशिश किया। मैंने कल ये कहा था हमारा उद्धार तीन काल का है। एक है हमारा पाप का दंड जो आपके ऊपर मेरे ऊपर पहले आदम के चलते चले आया है उस दंड आप चाहे नहीं चाहे आप मांगे ना मांगे आपके ऊपर बना रहता उस पाप का दंड से वो आपको हमको मुक्त करें आजाद करें। दूसरा है न केवल वो हमारे पापों को दंड को चुकाया है अपने मृत्यु के द्वारा परंतु हमें पाप की सामर्थ्य जो हमें दबाता है हमें गिराता है हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करती है उस सामर्थ्य से भी लगातार उद्धार करने के लिए आज भी जीवित है और न केवल आज के लिए परंतु आने वाले समय के लिए भी मेरा यीशु हमें पाप की महान उपस्थिति से हमें अलग करके उस जगह में जहां पाप रहित हम रह सकते हैं उस जगह में पहुंचाने के लिए हमें उद्धार देने वाला है। इसलिए आपका और मेरा उद्धार आपका और मेरा मुक्ति जो है तीन काल का है उसको मैं समझाने के लिए कल शुरू किया था। मैंने कल यह दिखाने के लिए कोशिश किया पाप किस प्रकार संसार में आके आज के बच्चे बच्चे तक एक एक नया जन्म पाया नया जन्मा हुआ बच्चे के जीवन में भी पाप का भयंकरता प्रभाव उनके जीवन में कैसा पाया जाता करके मैंने कहा। इसलिए पाप जिसके जीवन में है वो और कठोर और खड़ा और उसका दिल जो है पत्थर बन के जाता करके मैंने पाप की बढ़ोतरी को भी दिखाने के लिए कोशिश किया। आदि मनुष्य लेकर आगे किस प्रकार परमेश्वर उतना मनुष्य के हालत गिरने के बावजूद भी उसके लिए अनुग्रह दिखाने के लिए कोशिश किया उस महान परमेश्वर की उस महान अनुग्रह को प्रेम को आपके सामने दर्शाने के लिए मैंने कोशिश किया। कुछ बाइबल को नहीं जानने वाले कहते हैं पुराने नियम में परमेश्वर बहुत गुस्सा करता था अभी ठंडा हो गया करके भैया ये कुछ लोगों के गलत विचार है। मेरा बाइबल बतलाते हैं मैं ईश्वर हूं मुझ में कोई परिवर्तन नहीं मेरे प्रेम में परिवर्तन नहीं मेरे दया में परिवर्तन नहीं मेरे अनुग्रह में परिवर्तन नहीं मेरी सामर्थ्य में परिवर्तन नहीं। बाइबल ये भी बतलाती है प्रभु यीशु आज और कल और युगानुयुग एक सा। हालेलुया। डू नॉट मिसअंडरस्टैंड गॉड डू नॉट मिसरीड गॉड प्लीज। आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर का दास मूसा ने पूछा प्रभु मैं आपको समझने के लिए चाहता हूं आपको पहचानने के लिए चाहता हूं आपकी महिमा को देखने के लिए चाहता हूं आपको तो मैं आवाज सुनता हूं परंतु रूप रूप देखने के लिए चाहता हूं आप कैसे हैं आप कैसे हैं करके जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा था मूसा का क्या उत्तर मिला देखिएगा निर्गमन
निर्गमन के पुस्तक में मूसा से परमेश्वर किस प्रकार अपने को प्रकट किया उस वचन को थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको और हमको मालूम हो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर की परमेश्वर का मन किस प्रकार है। पढ़िए क्या 34 अध्याय Exodus 34 chapter verse 6 and 7 को हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा देखिएगा 34 का 6 और 7 पद को देखेंगे। यहोवा उसके सामने होकर, यहोवा परमेश्वर मूसा के सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यो प्रचार करता चला, यहोवा यहोवा, यहोवा मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, ईश्वर दयालु और अनुग्रह, ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी कोप करने में धीरज, कोप करने में बहुत धीरज करने वाला और अति करुणामय, अति करुणामय और सत्य, और सत्य हजारों पीढ़ियों तक, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, निरंतर करुणा करने वाला। हाथ उठा के परमेश्वर को एक ऊंचा आवाज उठा के हालेलुया बोले, हालेलुया, हजार पीढ़ी तक निरंतर दया करने वाला भैया, आपके बनाने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, आपसे बातचीत करने के लिए जो परमेश्वर कोशिश करता है वो हजार पीढ़ी तक दया 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 दिखाने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। परंतु साथ ही साथ उसने कहा अधर्म और अपराध, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह, परंतु कई लोग यहाँ तक रुक देते हैं तो इसलिए अपने मनमानी चलते हैं। अरे तो 1000 पीढ़ी तक तो चलेगा ही, ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेगा इसलिए। लेकिन प्रभु ने जब अपने को प्रकट किया इस बात को कि खाने के लिए वो छोड़ा नहीं, हजार पीढ़ी तक दया दिखाने वाला, परंतु 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 दोषी को, दोषी को किसी प्रकार, इस किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, निर्दोष नहीं ठहराएगा। ओहो, इस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जज, दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। भाई शाम का समय इस बात को भूलना नहीं, कल परमेश्वर की महिमा के साथ परमेश्वर की दया और अनुग्रह की भंडार को मैंने खोल के आपके सामने रखा। खून करने वाला कभी उसकी आवाज को सुन के उसको मदद करने के लिए चले आने वाला परमेश्वर को आपने कल सुना था, परंतु उसने अपने बारे में कहा मैं क्या, फिर से पढ़िएगा वो परंतु से पढ़िएगा, परंतु परंतु दोषी को वह, दोषी को वो न किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म को, पितरों के अधर्मों को दंड, उनके बेटों और पोतों, उनके बेटे और पोतों और पर पोतों को भी, इसका मतलब चार पीढ़ी कमता हूं मैं मांगा करूंगा, मांगा करूंगा। मैं यहां एक घटना को बतलाने के लिए चाहता हूं ताकि आप इस वचन को अच्छी तरह से समझें। दया करता 1000 पीढ़ी तक, अनुग्रह करता 1000 पीढ़ी तक, परंतु दोषी को निर्दोष करके वो जवाब नहीं दे सकता है। उसको ये काम है, उसको ये गुण है, दादा दादा होता आगे तक उसको मांगेगा। मैं स्विस देश में अपने दोस्त के पास गया था, मेरा दोस्त ने अपना ससुर के पास मुझे ले गया। स्विस देश में मेरा एक अच्छा दोस्त है, एक बिजनेसमैन है, परंतु परमेश्वर का दास भी है, परमेश्वर के लिए अपने आप को बेचा हुआ व्यक्ति जैसा जीवन निर्वाह करने वाला बहुत लंबा आदमी है। उसने कहा भगवान मेरा ससुर से थोड़ा बातचीत करना है और शायद तुम्हारी बात को सुन के वो प्रभु में आए तो अच्छी बात है। जैसा मेरा दोस्त उनके घर में पहुंचाया, वो तो व्हील चेयर में थे, उम्र वाले थे,
अपना व्हील चेयर में आके मुझे उन्होंने स्वागत किया। अंग्रेजी जानते नहीं थे, स्विस जर्मन में बातचीत करने वाले, इसलिए मैंने अपने साथी के मदद से उनसे बातचीत करना शुरू किया। मैंने पूछा, अंकल कैसे हैं आप? और उन्होंने कहा कि सुनने में आया मेरा दमाद से आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाले हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं ऐसी जगह में प्रचार करता हूँ जहाँ लोग जाने के लिए डरते हैं, लोग पहुंचा नहीं, उस जगह में भी मैं जाके यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूँ करके। उन्होंने कहा हाँ, हिंदुस्तान के लिए तो यीशु मसीह चाहिए लेकिन हमको नहीं चाहिए। मैंने कहा ये तो मुझे धक्का लगा, क्योंकि आपने कहा हिंदुस्तानियों के लिए यीशु मसीह चाहिए, अरे आप लोग बहुत गरीब हैं, आप लोगों को बहुत दुख में रहते हैं, आप लोगों के लिए यीशु मसीह चाहिए, चलो मैं दिखाऊंगा मैं कैसा रहता हूँ। मैं थोड़ा देर तक खामोश रहा और उन्होंने अपने व्हील चेयर में बैठे हुए मुझे एक खिड़की को खोल कर दिखा, देखो आप पेड़ को पहाड़ को देख रहे हो, सुना सो सुनो जो है बर्फ जो है वहां रहता है। मैं खिड़की खोलने से इतना सुंदर प्राकृतिक बातों से मैं अपने मन को बरा सकता हूं। और वहां देखो ये गाड़ी खड़ी है, फिर दूसरा खिड़की दिशा में ले गया, वहां एक खिड़की को खोला, बोला देखो और कितना बड़ा लेक है, बहुत बड़ा झील है और कितना अच्छा लगता है। मैं यहाँ बैठे बैठे बिना खर्चा किए हुए सारे सुंदरता को अपना सकता हूँ। वहां देखो वहां भी मेरा एक कार है। फिर तीसरा दिशा में ले गया और वहां भी एक खिड़की खोल के दिखाया और कहने लगा देखा देखा मैं इतना अच्छा घर में रहता हूं और मैं वहां पर वहां भी एक कार है, किसी भी दरवाजा से निकलूंगा वहां पर मुझे कार है। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा सुनो 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 मेरे कमरा में आओ। अब जबरदस्ती करके अपना कमरा में मुझे ले गया और लेके वहां एक रोबोट छोटा सा रोबोट रखा था और उसने कहा देखिए ये रोबोट देख रहे हैं ना, मेरी पत्नी का कोई दरकार नहीं, काफी बनाने के बोलने से वो काफी बना के ला कर देता। मुझे तो ताजुब लगा, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं लेकिन उसका रोबोट काफी बनाओ बोलने से वो काफी बनाना शुरू किया और चीनी डालना नहीं डालना वो सबको समझते हुए काफी बना के देने के लिए वो तैयार हो गया। मैंने कहा तो ठीक है। फिर उसने कहा चलो 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 मेरा बाथरूम में चलो। मैंने कहा क्या बात है भाई। और उसने कहा अपना व्हील चेयर का एक बटन दबाया, व्हील चेयर ने उसको उठा के बाथ टब में रखा और बाथ टब में से गर्म पानी हो ठंडा पानी हो वो आने के लिए, फिर उसके बाद उसको शैम्पू लगाने के लिए और उसको तौलिया से पोंछने के लिए, फिर उठा के बाहर ले आके खटिया पर लेटवाने के लिए, सारे काम मशीने करने के लिए वो पूरा मिशन से भरा हुआ बाथरूम था। मुझे तो ताज्जुब लगा और आके कहने अभी बदला अभी क्या चीज की कमी है, मेरे सारी सुविधाएं हैं, सारी बातें उपलब्ध हैं, मेरे लिए कुछ भी दरकार नहीं है, इसलिए यीशु का मुझे कोई दरकार नहीं। तुम लोगों का चाहिए, तुम लोग गरीब है, वो भी बिहार जैसा जहां है वहां तो यीशु मसीह चाहिए, वहां जाके तुम प्रचार करते की करते हो। हमें ड्राइंग रूम में बैठने के बाद मैंने उनसे एक बात को कहा, अंकल अंकल मैं एक बात कहूं। मैंने कहा कहो बेटा कहो। तो उन्होंने कहा मैं उन्होंने सुनो जब सुनने के लिए तैयार हुआ मैंने कहा अंकल अंकल सिस्वेरा में आजकल अंकल अंकल बोलते नहीं है, खाली नाम बोल के बुलाते हैं, अंकल अंकल बातें चली गई है यूरोप में। लेकिन मैंने बहुत नम्रता के साथ भव्यता के साथ मैंने कहा अंकल बताइए आप अपने लिए तो यीशु मसीह का ग्रहण नहीं कीजिए, कम से कम प्रभु यीशु मसीह को अपने बच्चों के खातिर अपने बच्चों के चलते ग्रहण कीजिए करके जैसा मैंने कहा था। बेचारा फूट फूट के रोने लगा। मैं घबरा गया क्योंकि मैंने तो गलती तो नहीं किया। मैं अपने दोस्त से पूछा मैंने क्या गलती किया। मेरा दोस्त ने कहा तुम ठीक नशा को डर लिए हो। और वो मुझे बैठा के अपना कमरा में ले गया, कमरा में गया और एक चिट्ठी को लाके मुझे पढ़ने के लिए दिया जो स्विस जर्मन में लिखा हुआ था, उनके बेटी लिखी हुई थी।
उनकी बेटी की चिट्ठी एक हफ्ता के पहले वो चिट्ठी उनके हाथ में आया था, उन्होंने उसके लिखा और उसमें कहा, उसमें ये लिखा गया था, पापा आपने मुझे ऊंचे कोटि कर पढ़ाई दी, एक सुंदर महल को बना के दिया, मुझे सुंदर गाड़ी खरीद कर दी, मैं भी अपने पढ़ाई के चलते एक अच्छे काम में काम कर रहा था, अब काम करते करते मैंने उसी ऑफिस में मेरे स्तर के लायक आदमी से प्रेम करके शादी की, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लगा मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, ये आदमी जो है और अन्य चीजों के चक्कर में रहता करके मैंने उससे तलाक ले लिया, उससे अलग हो गया, जुदाई हो गया, मैं उसको थोड़ा सा परेशान करने के लिए उसी कंपनी में सबसे नीचे स्तर के एक साधारण से साधारण आदमी से शादी किया, जबरदस्ती करके उस आदमी को परेशान करने के लिए। प्यारो मैं सुनिएगा, अब उसमें लिखी थी मैं उससे शादी करने की बात, मैंने समझा ये मुझसे प्यार करेगा क्योंकि मैं उसके लिए कमा के दे सकता हूं, इतना बड़ा जगह में रहने वाली मैं एक छोटे आदमी से शादी किया इसलिए वो मेरे साथ लपट के रहेगा, लेकिन उसका चक्कर मेरे पैसा के ऊपर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था, इसलिए दो साल उसके साथ रहने के बाद उसको भी छोड़ दिया। अभी तीसरा से मैं दो साल डेटिंग कोटिंग सब करता हूं, अरे पता चला है उसको दो बच्चा अभी ये है, मैं धोखा खाई, उसमें आखिरी में लिखा उस लड़की आखिरी लाइन में ये लिखी, पापा आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन यीशु को नहीं दिया, इसलिए मेरा जीवन बर्बाद है, बर्बाद है, बर्बाद है, पाप से मुझे छुड़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं है करके वो लिखी थी। इसी बात को लेके उन्होंने आंसू बहाया, मैंने उनको प्रार्थना करके प्रभु में लाया, अभी तो जरूर प्रभु के पास चले गए, लेकिन मुझे बहुत आनंद है। मेरा दोस्त आज भी कहता है मेरा ससुर को मैंने कितने बार कोशिश किया था, लेकिन एक ही दिन में तुमने उनको स्वर्गवासी बना दिया, उनको इस रास्ता मिला दिया, धन्यवाद करके कहते हैं। प्यारा सुनिए, मनुष्य सोचता है दुनिया की सारी सुविधाएं अगर रह जाएगा मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं आपसे खाने के लिए आया था कि कल पाप की भयानक भयंकरता को समझे और उससे छुटकारा पाने के लिए आपको यीशु का दरकार है, क्योंकि वो दोषी का निर्दोष नहीं कर सकता है, परंतु जब हम उसके पास आते हैं उसने अपने ऊपर मेरे दोष को लेने के चलते, मेरे दर्द को पूरा उठाने के चलते मुझे आज पाप के दंड से आजाद किया है, इसलिए मैं आनंदित हूं, इसलिए मैं नाचता हूं, इसलिए मैं खुश हूं, क्योंकि उसने मेरे ऊपर आने वाला भयानक दंड को दोष मेरे जीवन से हटाया क्रूस के बलिदान के द्वारा। खैर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जरूर वो आजाद पीढ़ी तक दया दिखाने वाला है, परंतु जब हम उसकी बातों को मानने के लिए, जब उसकी दीवी दया को प्राप्त करने के लिए इनकार करके, जैसा कल मैंने कहा, लात मार देते हैं, उसके प्रेम को हम हटा देते हैं, वो तुरंत हमारे जीवन को एक दोष से भरी हुई जीत के रूप में देखता है। मुझे सुनने वाला कोई भी खेल हो, इस मैदान में हो या बाहर हो, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दोष है, इसको हटाने के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर दंड ले चुका है। मैंने एक छोटा सा गीत इस प्रकार लिखा था, उस गीत मैंने हृदय से मैंने इस बात को लिखा, अपनी मोहब्बत से प्रेम किया, अपना अपना कौन देकर, अपनी मोहब्बत से प्रेम किया, अपना अपना कौन देकर, पाप हटाकर दोष मिटाकर पा किया अपने लिए, पाप हटाकर
कर पाकिया अपने लिए आराधना आराधना तेरी हो हल्लेलुया आराधना तेरी हो जाना नहीं तेरी इच्छा जिए नहीं तेरे लिए जाना नहीं जीवन दिलाने ले लिया मुझे आत्मा से भरपूर किया करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे उबारता है ताकि यहां कुछ लोगों को उससे लाभ हो सके। जब मैं छोटा था मैंने अपने परिवार में एक बात को देखा, मेरी मां को मिर्गी जैसा बीमारी फिट्स जैसा चले आता था। हमेशा नहीं, जब किसी शादी के घर में जाएंगे, किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे या क्रिसमस के टाइम में जाएंगे या अन्य जगह में जाएंगे जहां मंगलमय बातें किया जाता है, लोग आनंदित और खुश हैं, उस जगह में जाने से जरूर मेरी मां फिट से परेशान होती थी। कान खोल के सुन ले, हम लोग बहुत दुखित रहते थे। मैं छोटा था, मैं देखा मेरी मां को, अगर वो शादी के घर के बीच में ही उसका फिट्स आ जाता था लोग तरस खाते थे, लेकिन 3 दिन से 5 दिन तक वो खटिया कर लेती थी, बेहोश रहती थी, फिर 5 दिन के बाद वो अपना काम में लगी रहती थी। मैंने सोचा ये बीमारी है, लेकिन जब मैं पढ़ते गया और मैंने देखा मेरे दो बहन लोग भी उसके शिकार होने लगे। जब मेरे बहन लोग शिकार होने लगे, मेरे परिवार के मेरी मामू लोग, मेरे मां के दो भाई लोग भी उसका शिकार होने लगे, तो मैंने देखा ये तो कुछ और बातें हैं, इसके पीछे कुछ और बातें हैं। मैंने सोचा, मैं सेवकाई में पैर रखा हुआ था उसी समय, और मैंने सोचा ये तो कुछ बात है। मैं सीधा एक दिन मम्मी से जाके पूछा, मम्मी मम्मी बताइए आपके परिवार में और लोग जो पीछे पीढ़ी के थे उनके लिए था? बताने लगी, नाना कभी था। मैंने समझा, नाना उनकी बेटी, उनके बेटी की बेटियां, और ये पीढ़ी पीढ़ी से चले आ रहा एक बहुत बड़ा दोस्त मेरा, इसको आप कहेंगे श्राप, वो जो है मेरे परिवार में लटका हुआ है। मैं सेवकाई में होने के चलते बिहार से चले आया तमिलनाडु में एक स्कूल में। मैं अपने पापा के, अपने मम्मी के, दोनों परिवार के जितने निकट लोग हैं, उनके भाई लोग, उनके बच्चे, सारे लोग, लगभग 80 लोगों को इकट्ठा करके मैंने उनको समझाने के लिए कोशिश किया इस वचन के आधार पर। हमारे पूर्वजों ने हमारे परमेश्वर को पहचाना नहीं, उन्होंने
विदंडावाद किया और ऐसा दुष्टता जीवन बिताई होगी, हम नहीं जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे पापों के दोष भी उसमें पाया जाता है, इसलिए ये बीमारी हमारे परिवार के अंदर करके मैंने वचन के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश की। यार मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे परिवार ऐसे परिवार है, मेरी पत्नी एक हिंदू परिवार से, उसका माँ बाप इसे उसका माँ बाप ही प्रभु में आए थे, उसके पागले के पीढ़ी लोग बहुत जबरदस्त मंदिरों में जाने वाले, मंदिर को बनाने वाले। मेरा दादा वो भी पुजारी थे, उन्होंने अपने गांव में एक मिशनरी जब यीशु मसीह के प्यार को सुनाने के लिए आया, उन्होंने कहा क्रिश्चियन कुत्ता तुम पागो करके मार के खून खून करके विदा किया हुआ एक व्यक्ति। मेरा नाना जरूर एक हाई स्कूल के मास्टर रह चुके थे लेकिन पियत करते, और मैं केवल खुद पीते थे, अन्य लोगों को पिलाते, पूरा गांव के लोगों को छुटा के पिलाते थे, पूरा थक को पीते पीते इस प्रकार की पापों को कमा के रखे थे। जब मैंने अपने मामू लोगों से, अपने परिवार के लोगों से इन सारी बातों को जो मैं जानता था उसको खुलम बतलाया, हम लोग सब रो पड़े। सुबह 8 बजे से लेकर उपवास के साथ बिना खाए और हम लोग परमेश्वर के ओर ताकते रहे, प्रभु दया चाहिए, दया चाहिए। उन्होंने हमारे लिए क्या रखे किया नहीं रखे किया, परंतु एक बहुत बड़ा श्राप पत्र खमा के रखा, पीढ़ी तक ले जा रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए करके चिल्लाए। शाम को 5 बजे एक भविष्यवाणी आई, आगे श्राप नहीं रहेगा। मैंने उन सारे श्रापों को अपने क्रूस पर उठा लिया, इसलिए तुम लोग आजाद रहोगे। भैया मैं आपको बताने चाहता हूं, आज 38 साल हो चुका है मेरे परिवार में किसी को भी मिर्गी की बीमारी का असर तक नहीं, कितना भी बुखार आए मिर्गी नहीं आता है, क्योंकि प्रभु ने उस दिन इस दोष को हटाया, क्योंकि क्रूस पर उसने जो किया था उसको हम लोग पूरा परिवार अपना लिया। He is a gracious God. He is a merciful God. वो जो है बहुत बहुत दया रखने वाला है, परंतु जब तक उसके रखी हुई उस दन को, उसकी कमाए हुए दन जो क्रूस पर उसने किया, उसको आप हाथ धर के नहीं लेंगे, उसके शामिल होने के लिए आप हकदार नहीं बनते हैं। गाने से नहीं परंतु स्वीकार करने से और उस बात को अपनाने से, प्रभु का कमाया हुआ उस उद्धार जो पाप का दंड से आपको, आपके बच्चों को, आपके लोगों को बचा सकता है, उसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो लटकते रहता है बोलिए नहीं। क्योंकि बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा रोमियों का दूसरा अध्याय, रोमियों का दूसरा अध्याय में से कुछ पदों को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, जो कुछ मैं बोलता हूं इस लिखित वचन जो 2832 भाषा में अनुवाद किया गया है, इस वचन से बोलता हूं, दुनिया में कोई खिताब नहीं, क्योंकि ये सारे लोगों को, सारे बोली बोलने वालों को मालूम करने के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा उपाय करके आपकी मातृभाषा में, मेरी मातृभाषा में उसको लिख कर दिया है। पढ़ेंगे रोमियो उसका दूसरा अध्याय, उसका 4 से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने, मेरे सामने और मुझे सुनने वालों के सामने, परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रचार है। फिर से पढ़िए बहन उसको, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है पर तू अपने कठोरता और हठीले मन के चलते कारण उसके क्रोध के दिन के लिए
जिसमें जिसने परमेश्वर का सच्चा सच्चा न्याय न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध क्रोध कमा रहा है भाई बहन, जो कोई परमेश्वर के अनुग्रह को परमेश्वर की दया को तुच्छ समझता निकम्मा समझता है वो खुद अपने ऊपर न्याय को परमेश्वर का प्रोप को प्रकोप को वो कमा रहा है। आगे का वचन भी पढ़ लीजिए। वह हरेको उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ भैया, मेरी बहन, मेरी बेटी, जैसा मन करता वैसा तुम चलने के लिए तुम ताकत रखते होंगे। जैसा आपका मन चाहता वैसे ही चलने के लिए आप जीवन में इधर उधर घूमते रहने के लिए अरे शोक करो भाई, और एकदम और चुम जैसा मन करता वैसे ही खाओ पियो मजा कर लाओ और आनंदित हो, ये दुनिया एंजॉय करने के लिए करके सोचते हो, लेकिन मेरा परमेश्वर को वचन साफ बतलाती है अभी वो दया दिखाते रह रहा है। जब आप और हम उसको तुच्छ समझेंगे उसी दिन वो दया का भंडार बंद होके न्याय का दरवाजा जब खुलेगा वो जो है आपको पर एक भारी विपत्ति को लाएगा। विपत्ति का एक झलक दिखा रहा है परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर के वचन में एक विपत्ति जो परमेश्वर का प्रकोप का आग जो आने वाली बातों को एक झलक जरा सा शुरुआत की बात को जो बाइबल बतलाती है उस वचन को भी मैं दिखाऊंगा ताकि आप और हम परमेश्वर की दया को तुच्छ नहीं समझने पाए। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय है, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय है, वहां पर पहले उस पद को पढ़िएगा फिर उसको आगे के पदों को पढ़िएगा, पहले 17वां पद को पढ़िएगा और उसके बाद जो है 12 पद से लेकर 16वां पद तक पढ़ेंगे। पहले 17 पद को पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन 6 चैप्टर वर्स 6:17 फर्स्ट, देन वी विल रीड फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। पहुंचा, कैन यू जस्ट सी दैट? भाई जवान, मेरी बहन, मेरी मां, उसके भयानक जीवन भयानक दिन आने समय की एक झलक की बात को बाइबल बतलाती है। थोड़ा मेहरबानी से देखिएगा, इसलिए मैं इन बातों को दिखाता आपको डराने के लिए नहीं, धमकी देने के लिए नहीं, अगर उसके किया हुआ उद्धार जो क्रूस पर उसने किया उसको आप तुच्छ समझेंगे, आप उसको उल्टा समझेंगे, अगर आप उसको छोटा समझेंगे तो इस भयानक विपत्ति आपके ऊपर आ पड़ने का डर है उसका एक झलक को दिखा रहा। अभी पढ़िएगा 12वां पद से, जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कुओं में और चट्टानों में जा छिपे और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे, और पहाड़ों से चट्टानों में से कहने लगे हम
हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, चट्टान मेरे पर गिर पड़ो, खून परमेश्वर का प्रकोप के सामने डगर सकता है। Can you just imagine? एक छोटा सा पत्थर से पांव में ठोस लगने से इतनी वेदना दर्द हमारे लिए हो जाता है। अगर उसी दिन की प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप का शुरुआत के दिन में चट्टानों से बड़े लोग, धनी लोग, स्वतंत्र लोग, गुलाम, नौकर छौकर ये जाके छिपके कहेंगे हम पर गिर पड़ो, हम चटनी होने के लिए तैयार हैं, परंतु उस प्रकोप में ठहर नहीं पाएंगे। Why I am shouting, sir? हम क्यों चला चला के बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा परमेश्वर का प्रेम को आप समझिए, मेरे प्रेम परमेश्वर की दया को दुखाइए मत। मेरे परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, उसका अनुग्रह अभी आपके नजदीक में, आपके नजदीक में होने से उसको तुच्छ मत समझिए, ताकि इतना बड़ा भारी विपत्ति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके संतानों के ऊपर न होने पाए। कल मैं कुछ और बातों को बताऊंगी, कब इन सारी बातें होने वाला है उसको मैं कल विस्तार रूप में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले उसका अनुग्रह को आप हाथ पसार के पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे क्या होगा करके, मैं इंडिया टुडे मैगजीन में आई हुई एक बात को मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं, जो सच्ची बात है, जो कलकत्ता में हुई है। कलकत्ता में एक 5-स्टार होटल में एक जवान का शव को लोगों ने पाया। जवान का कमरा बंद रहा, परंतु वो अपना बिस्तरा में लेटा हुआ था और वो मरा हुआ था। होटल वाला परेशान, क्योंकि कमरा खुला नहीं था 2 दिन, इसलिए दरवाजा तोड़ के लोगों ने देखा महक रहा था। और जवान के शरीर को जब पोस्टमार्टम के लिए ले गया गया, वो ये पता चला ये जवान को साइनाइड किसी ने खिलाया, इसलिए उसी समय मर गया। वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति का, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का, मिनिस्टर लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक रखने वाला का एक इकलौता बेटा था, इसलिए पुलिस पूरा जोर लगाया इसके बारे में समझने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, और होटल वालों से जाके वहां का रिकॉर्ड उठा के देखे, वहां उसका नाम लिखा है, लेकिन उसमें साथ ही साथ लिखा है उसकी वाइफ भी उसके साथ है, लेकिन वाइफ तो उसकी शादी नहीं हुई, कैसा वाइफ है? क्योंकि वहां पर होटल रिकॉर्ड बतलाता है, और होटल में इतना समय में आए और किस बटलर से बात किया, वो सारी बातें रिकॉर्ड किया गया है। उस बटलर को बुलाया गया, उस सर्वेंट के सर्वर को बुलाया गया, क्या ये लोग आए थे? आए थे साहब, दोनों आए थे, मैं देखा था। और 6 बजे शाम को आए और वही लड़की बोलने लगी, वो लड़का तो बोला नहीं, वो लड़की बोलने लगी हम लोग बहुत थके हुए हैं, हमको कल दार्जिलिंग जाना है, इसलिए तुम ये काम करो हमारे लिए खाने के लिए ये दे देना, और साथ ही साथ एक ब्रांडी बाटलों को भी ला देना, और हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना, सवेरे जाने के लिए एक टैक्सी का भी प्रबंध कर देना। मैंने काउंटर में जाकर, रिसेप्शन में जाकर एक टैक्सी को बुक किया और उनके लिए भोजन ले आया और एक ब्रांडी बाटल का भी ले आया, और पता नहीं चला, और तो कुछ पता नहीं चल रहा है, और कुछ पता नहीं चल रहा है। वो बटलर, वो सर्वेंट बोला कि हमको तो सवेरे ड्यूटी नहीं था, मैं इसलिए उनको देखा नहीं, रात के ड्यूटी में खत्म करके मैं चला गया घर। होटल वाला से पता नहीं चला, लेकिन टैक्सी वाला का नंबर था, इसलिए टैक्सी वाला को ढूंढ के पुलिस लाई। जब टैक्सी वाला आया गया, लाया गया था, टैक्सी वाला से पूछा गया इस प्रकार, फलाना दिन में तुम्हारा टैक्सी कोई बुक किया था दार्जिलिंग जाने के लिए? क्योंकि वो सर्वेंट बोल रहा था मेरे दार्जिलिंग जा, दार्जिलिंग जाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बुक किया था, परंतु सवेरे 6 बजे मुझे बुलाया गया, मैं 6 बजे आया और वो लड़की आई थी और बैठ के बोल रही मेरा आदमी को तो बुखार है और बीमार हो गया है, इसलिए हम दार्जिलिंग नहीं जा रहे हैं, तुम हावड़ा स्टेशन जाओ करके रेलवे स्टेशन के लिए चलाई।
और जब रेलवे स्टेशन में मैंने उसको उतारा, मैंने सोचा दार्जिलिंग के लिए बुकिंग है, मेरा दिन में आज अच्छा कमाऊंगा। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पहुंचा, वो लड़की जो है, माफ कीजिएगा, हम आपके लिए कमाई में तो मिट्टी डाल दें, इसलिए 500 रुपया रख लो करके। मैंने सोचा, अरे 50 रुपया का सवारी के लिए 500 रुपया मिल गया, खुश हो गया। और खुश हो के मैं दरवाजा बंद करने पर था, स्टेशन से आदमी निकला और कहा, मंजू तुम यहां क्या कर रही है? अभी पुलिस को पता चला मंजू है, लेकिन कलकत्ता में जाइए गली गली में मंजू है। मैं नहीं जानता महाराष्ट्र में बच्चियों का किस प्रकार बोलते हैं, लेकिन बिहार में तो मुन्नी मुन्नी सब कोई मुन्नी है। अगर तमिलनाडु में जाइए पापा, सब कोई पापा ही है, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ मंजू तो बहुत कॉमन नाम है, किसको खोजेंगे? पूरा कलकत्ता भर में मंजू को कहां देखेंगे। लेकिन मिनिस्टर के आदमी होने के चलते पुलिस ने इतना जोरदार से छानबीन किया। प्यारो, एक घटना इंडिया टुडे मैगजीन में आने के चलते मैं विस्तार रूप में आपको समझा रहा हूं। कुछ समय के बाद, थोड़ा दिन में ही, कलकत्ता से 110 किलोमीटर दूर में बर्दवान नाम करके एक जगह है, और वहां एक मैनेजर के घर में सुबह होते ही पुलिस के घेराबंदी किया। जब घेराबंदी किया और वहां मंजू नाइटी में थी, उसका आदमी को काफी पिला रही थी, पुलिस डीएसपी वहां भीतर जाके कहने लगा, यू आर अंडर अरेस्ट, आप मंजू हैं, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। आदमी का पता नहीं चला क्यों अरेस्ट हो रही है, मेरी पत्नी क्यों अरेस्ट हो रही है, वो घबराने लगा और उसको समझ में नहीं आया। मंजू कहने लगी, हां मैंने गुनाह किया, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इस नाइटी को चेंज करके साड़ी पहन के चले आऊंगा। पुलिस अधिकारी ने सोचा, हम लोग तो चारों तरफ हैं, ये तो घर के अंदर जाएगी तो साड़ी पहनने के समय, तो हम कैसे जाएंगे? बाहर एक खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट के बाद शादी में जो साड़ी वो पहनी थी, उस साड़ी का पहन के एकदम दुल्हन की समान अलंकार करते हुए बाहर आई, सीधा जाके अपना पति के पांव पर गिर के कहने लगी, एक शब्द कहिएगा, माफ कर लिया। चिल्लाने लगा, उसके समझ में नहीं आया, क्यों मंजू, क्यों क्यों? और कहने लगी, मैं शादी के पहले कॉलेज के समय में जो लड़का मर गया उसके साथ मैं घूमती थी, मैंने एक दिन उससे पूछा हमारी शादी कब होगी, और हंसते कहने लगा, अरे कॉलेज के समय में इस प्रकार मजा लेना है, इसलिए मैं घूम रहा, थोड़ी शादी होना है। मेरा तो तड़का लगा, मैंने अपने जीवन को इसको हाथ में सौंपने पर है, और वो इस प्रकार कह रहा है, मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के अपने बाप से कह के तंग करके आपसे शादी करने के लिए तैयार हुई, लेकिन शादी करके मैं विश्वास योग्य पत्नी रहूंगी, मैं इनके लिए एकदम अपने को बिल्कुल सौंपी भी रहेगी। परंतु वो लड़का मुझे बारंबार फोन करके, मंजू तुम्हारे फोटो मेरे पास बहुत है, हम लोग सब जगह में, पार्क में, सिनेमा हॉल में, होटल में, अन्य कमरों में अकेले रहते रहते जितने फोटो खींचे सारी फोटो का कॉपी है, मैं तुम्हारा आदमी को दिखा दूंगा। ये धमकी देके मुझे एक्सप्लाइट करने लगा और मैं थंगा गई, मैं बहुत साधारण जीवन आपके साथ प्रेम के साथ बिता रही, लेकिन वो तो उसमें पूरा मिट्टी मिलाते रहा। मैं अफसोस करती थी, रोती थी, क्यों मेरा पुराना जीवन ऐसा है। और कहने लगी, एक दिन आप दिल्ली के लिए गए थे 3 दिन के लिए कैंप में, मैंने फोन करके उस लड़का को बुलाया, अपने गाड़ी से नहीं आना, टैक्सी करके आना, बहुत पैसा लेके आना, तुम्हारे साथ मैं
दार्जिलिंग घूमने के लिए जाऊंगी, हम लोग रात में कलकत्ता में ठहरेंगे होटल में, फिर उसके बाद 3 दिन तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, मेरा आदमी तो आने जाने में 4 दिन लग जाएगा, उसके आने के पहले घर आ जाऊंगी करके मैंने उसको फोन किया। वो बहुत खुश हो गया और टैक्सी के साथ आया, मैं पैसा भी ज्यादा ले आया था। हम लोग सीधा कलकत्ता गए, वहां पर उस होटल में जाने के समय मैं साइनाइड को ले जाके उसका खाने के समय उस ब्रांडी में उसको मिला के उसको पिला दी, उसका पीने का आदत था, वही मर पड़ा। रात भर उसका लाश को मैं रखे वहीं रही, सवेरे उठी, उठ के भाग आई, लेकिन मैं ये जानती नहीं थी उस पाप जिसको मैंने गुप्त स्थान में किसी के जानकारी बिना की थी, वो मुझे इस प्रकार की दशा में ले आएगा करके। और रोते हुए कहने लगी, सुनिए जल्दी कहिएगा, माफ कर लिए, मैं माफी मांगती करके अपने पाप पति के पांव धरने लगी और कहने लगी, मैं भी वही साइनाइड को ले ली हूं, अभी मर जाने के पर रहो, जल्दी कहिएगा। बोल आदमी बेकार बिल्कुल वो कांप गया, उसको उठाने लगा, मंजू क्या की है, वो उन फोटों के साथ मेरे ऑफिस में आया था, दिखाया था, मैंने उसके सामने उन फोटों को छीन के उसको फाड़ के मैं चला दिया। मैंने कहा, मेरी पत्नी अभी मेरे लिए ठीक है, सही रास्ता पर चल रही है, तुझे मरने का कोई दरकार नहीं। लेकिन मंजू कहने लगी, विलंब हो गया, मैं अपने पाप के लिए मर नहीं रही, मैंने आपको माफी को पहचानी नहीं, मैं आपका दिया हुआ माफी को जानती नहीं, इसलिए मैं मर नहीं करके उसी के हाथ पर मर के गिर पड़ी। प्यारो, मेरी आवाज को सुनने वाले कोई भी खिलो, मेरे यीशु आपके मेरे सारे लोगों के पाप को उठा के क्रूस पर अपना जान देने के वजह से, मैं जो गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया, मैं जो गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया, इसलिए गाऊंगा तुम उसी के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ने उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ने उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, कितना अनूठा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, सबको बचा लिया, तुझको बचा लिया। 2000 साल के पहले मेरे यीशु ने तमाम संसार के पापों को अपने पर लिए हुए
परमेश्वर के मेमना के रूप में बद होने के चलते आपको पाप का दंड को उठाने का कोई दरकार नहीं, कोई दरकार नहीं। एक ऊंचे थाली बजा के उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन ये दंड की आज्ञा आपके ऊपर कभी नहीं होगा जब आप यीशु के लिए अपने आप को सौंप दिए। क्या आपने यीशु के लिए अपना दिल खोला? क्या यीशु के अपने जीवन में पूरी तरह से आने दिया? क्या आप यीशु के दिए क्षमा, पाप की क्षमा को आप अपनाए? नहीं हो, आज 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 समय है। हे प्रभु, मैं जानती नहीं थी, जाना नहीं, ऐसा मैंने गीत गाए, जाना नहीं तेरी इच्छा, तेरी मर्जी को जाना नहीं, अभी मैं स्वीकार करता हूं। इस बात को तो आप शायद जानते होंगे, परंतु मैं जो आपके सामने जिन बातों का रखता हूं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पाप का दंड से तो मुझे छुटकारा मिल गई है यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पर कर चुका है, परंतु पाप की सामर्थ जो मुझ में और आप में प्रतिदिन जो कार्य कर रही है उसके लिए क्या जवाब है यीशु मसीह के पास? This is what I want to say today. आज मैं आपके सामने परमेश्वर की उस दया हमारे ऊपर होने के चलते पाप के दंड से हम आजाद हो गए, हम कह सकते हैं मेरा उद्धार हुआ है। परंतु रुकिए मत, वहां से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन में जो बातें पाई जाती है उसका थोड़ा समझने के लिए कोशिश किए, क्योंकि पाप जो है मेरे शरीर में वास करने के वजह से मैं और आप शायद एक परेशानी में फंसे होंगे। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा रोमियो उसका सातवां अध्याय है। रोमियो में यहां पर एक व्यक्ति की दुर्दशा को यहां पौलुस लिखता है। सब वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु सारी बातों को हम समझने के लिए एक दो वचन को समझेंगे। 14 पद से लेकर पढ़िएगा रोमन्स 7 चैप्टर verses from 14 onwards, 14 or 15 पगले। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ, मैं शारीरिक दशा में हूँ और पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ, बिका हुआ हूँ। ओहो, this is something extraordinary। ओ भैया, ध्यान से सुनिएगा, हम तो परमेश्वर की कमाया हुआ उद्धार को अपनाए जब हमने विश्वास किया, अनुग्रह और विश्वास होने से मेरा उद्धार हो गया, लेकिन उद्धार का शुरुआत हुआ है। परंतु मैं शारीरिक तौर से यहां रहता हूं, ये शरीर तो ये मिट्टी के बना हुआ है, ये शरीर में आदम का स्वभाव तो आया ही ना है। मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, आप कौन है करके कोई पूछेगा, मैं 6 आदमी का कम से कम मिला हुआ एक मिक्सर हूं या खिचड़ी हूं। मेरा बाप मेरी माँ, मेरा बाप माँ का माँ बाप, और उनके उनके उन 6 लोगों को 10% इनका, 20% इनका, 15% इनका उठा के एक डिब्बा में डाल के एक दालमुड़ी जैसा खिला के लगाइए, वही मैं हूं और आप है। इसलिए आपका दादा का गुना आप में पाया जाता है, आपका नानी का गुना आप में पाया जाता है, और आप में इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं। इसलिए यह शरीर में पाप की अभिलाषाएं रहता है। यह शरीर का उद्धार का आवश्यकता है, वो कब होगा कल मैं बतलाऊंगा, लेकिन शरीर का उद्धार होने के पहले मेरा शरीर पाप के वश में बैठा हुआ है। इसलिए क्या होता है, पढ़िएगा, जो मैं करता हूँ उसको नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वह नहीं किया करता, उसको नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, वही करता हूँ। कई लोग यहाँ बैठे हैं, हम तो आराधना भी करते हैं, कभी कभी गीत गाने वाला कभी नाचते भी हैं, लेकिन जो करना नहीं चाहिए था उसको भी करते ही है। हेलो, सब लोगों का सिर हिल रहा, हाँ हाँ सही है, जो मैं चाहता नहीं हूं उसको ही किया करता हूं, मां जानता हूं खराब है लेकिन उसी के करता हूं। जवान, आपके बारे में मैं खुलम बतलाऊंगा तो परेशान हो जाओगे।
लड़की आपके बारे में कहूंगा मैं तो आप परेशान हो जाएंगे। माँ जी आपके दिल की भावना नहीं, आपके किए हुए अभी जिस जीवन में आप जेल रहे हैं उस बात को मैं कहूंगा। हाँ मैं यीशु मसीह का ये ग्रहण की हूँ परंतु परेशान हूँ, ये कौन परेशान नहीं है, ऐसा करके तुम चिल्लाने के लिए कोशिश करती होगी या करते होंगे। Listen, there is a big war happening in my mind. मेरा मन में एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो मुझे गिराने की कोशिश करता है, जो मुझे परेशान करता है। मैं जो चाहता हूं उसको कर नहीं पाता हूं, जिसको नहीं चाहता उसको करता हूं, मुझे वो न छुआता है क्योंकि मेरा शरीर इसके लिए बेचा गया हालत में है। पढ़िएगा आगे और 21 वर्ष से लेकर पढ़िएगा 20 वर्ष से लेकर पढ़िएगा। अतः यदि मैं वही करता हूँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा नहीं करता जो उसका करने वाला, जो करने वाला मैं ना रहा, मैं नहीं रहा परंतु पाप जो मुझ में है, पाप जो मेरे शरीर में वास करता है, बसा हुआ है, बसा हुआ है। आगे इस प्रकार मैं वह व्यवस्था, 24 पद को पढ़िएगा 24 मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। Everybody who has accepted the sacrifice of Jesus Christ, let me tell you again, जो यीशु मसीह की बलिदान को कुर्बान पर विश्वास करके उसको अपनाया है, वो चिल्ला रहा भी थे, कौन मुझे और छुड़ाएगा जो प्रतिदिन मेरे अंदर कार्य करके मुझे गिराने के चक्कर में है। एक और वचन तो भी पढ़िएगा, गलतियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय है, गलतियों की पत्री उसमें पांचवा अध्याय में यो लिखा है, शरीर की कामों के बारे में थोड़ा सा मैं देखने के लिए चाहूंगा, 16 और 17 पद को पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी नहीं करोगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी है, मैं आत्मिक तवर से जलाया गया जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, परंतु शरीर की दशा में मैं अभी भी वो परेशानी में हूं। मेरे शरीर में जो वास करता अभिलाषा, ये मेरे आत्मा को बिल्कुल बंद करने के लिए, ठंडा करने के लिए पूरा यत्न करता है। आत्मा उसके ऊपर बल प्राप्त कर, मेरी आत्मा उसके ऊपर बल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। आप पूछेंगे भैया शरीर की अभिलाषा तो कहते हैं लेकिन उसके बातों को थोड़ा समझिए, समझाइए, थोड़ा खोल के बताइए, उसी वचन में लिखा है, आगे बढ़िएगा, शरीर की बातें क्या है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, अगर आत्मा से चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, नहीं रहोगे, क्योंकि शरीर का क्रिया को पढ़िएगा 19वां पद को, 20 और 21 पद को पढ़िएगा, शरीर के काम तो प्रकट है। सुनिए मेरी बहन, मेरा भाई, शरीर का काम प्रकट है क्या है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके जैसे और काम, इतना लिस्ट देने के बाद क्या था, इनके जैसे ऐसे भी काम है। हेलो, मैं कुछ लोगों को आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपके ध्यान को उसके ओर लगाने के लिए चाहता हूं जहां आप प्रतिदिन की उद्धार का, जो आत्मा के बल से चलने की आवश्यकता का मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आप लुका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय पढ़िएगा,
वहां एक भयानक घुसखोर गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में लिखा, घुसखोर है वो पूरा, लूटपाट, और एक रुपये 10 रुपया की जगह पर 50 रुपया लेगा और 40 रुपया अपना पॉकेट में रखेगा, 10 रुपया का ये स्लिप देगा, और दुनिया जानता है ये तो लुटेरा है, दुनिया जानता है ये घुसखोर है। लेकिन एक दिन उसको मन में आया, अरे यीशु यीशु कहते सुनने में आया, हमारा शहर मारा, हम जाके देखेंगे। नाटा होने के चलते आपको मालूम है वो जो छोटा पेड़ में चढ़ के देख रहा था, लेकिन मेरा प्रभु पापियों को भी प्यार करने वाला उसके तले खड़ा होके कहने लगा, घुसखोर हो, तुम्हारा जीवन खराब हो, तुम औरों को परेशान करने वाला हो, तो भी मेरा प्रभु का प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं। ताली बजा के परमेश्वर ने देंगे बात करें, अगर तुम्हारा दिमाग में तुम्हारा दिल में जरा सा उसके वो मोड़ने के लिए, ताकने के लिए, देखने के लिए, चखने के लिए जरा सा भी विचार आएगा, मेरा प्रभु वहां के खड़ा हो जाता है। भीड़ तो है, उसके चारों तरफ उसके चेले हैं, लेकिन वह खड़ा होके कहता है, जखे उतरा, रे बाप रे बाप, मेरा नाम को भी जानता है, मेरा नाम लेके बुलाने वाला एक मर्द आदमी है करके वो उसको चट से, तुम्हारे घर में ठहरना है, रे बाप रे बाप, मैं केवल उतरने के लिए कहा, ठहरना है, मैंने तो केवल देखने के लिए चाह, लेकिन मेरा घर में टकरने के लिए इतना महान परमेश्वर जो खोलियों को चंगा कर सकता, जो मुर्दों को जिला सकता, वो मेरे घर में आ गया, आ रहा है, बहुत खुशी खुशी आ रहा है। लेकिन रास्ता में ही धक्का लगा, हमारा प्रधानमंत्री और आईटी डिपार्टमेंट को छापामारी करने का आवश्यकता नहीं पड़ा, काला धन निकल गया अपने से, यीशु मसीह आने से काला धन अपने आप निकल रहा। बगल वाला से बोलिए, यीशु मसीह आने से देश से भी काला धन निकल जाएगा। आईटी वाला का दरकार ही नहीं है और छापामारी की आवश्यकता ही नहीं है। रास्ता में जाते जाते बोल रहा है, मैंने कई लोगों से अन्याय से लिया है, इसलिए मैं एक काम कर रहा, आधा धन तो बांटूंगा, क्योंकि पता नहीं किससे लिया, किससे लिया पता नहीं है। एक टीटी आदमी मन फिराया, और टीटी आदमी आप तो जानते हैं, रेलवे में हमारे बिहार में तो टिकट देता नहीं है, यहां साइन करता, इसका साइन तो दिखा दीजिएगा, वो चले जाइएगा, आपको टिकट का दरकार नहीं है, और दिखा दीजिए आप, वो पैसा लेगा, टिकट वगैरह नहीं देगा, साइन करेगा। हमारे पूरा गाड़ी भर में ऐसे ही चलता था वो, लेकिन वो आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, भैया हमको तो मालूम नहीं किससे मैं लूटा, अभी क्या करेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा लूटा हुआ था हमको गरीबों के लिए और मदद के लिए बांट दो, कम से कम तुम्हें स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए बहुत से दोस्तों मिल जाएंगे। हालेलुया, बाइबल बताती है आदर के धन से दोस्तों को जीत लो। लिसन, मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, पाप के दंड से बचने के लिए आपने यीशु मसीह को अपनाया, धन्यवाद, लेकिन क्या वो आपका पॉकेट को छूया? एक आदमी को हम बपतिस्मा लेने के लिए ले गए, उसने अपना हाथ को ऊपर रखा था, मैंने कह रहा एक हाथ को भी बपतिस्मा मिलना है, उसने कहा अंगूठी हमारा ससुर का दिया हुआ है। अगर ये बपतिस्मा ले लेगा फिर मुझे दान में देना पड़ जाएगा, इसलिए मैं हाथ को नहीं डूबने दे रहा हूं, मैं सच बात कह रहा हूं। क्योंकि मैं तो कर दिया, मैं अभी यीशु का हो गया हूं, लेकिन अंगूठी नहीं, वो ससुर का है। मेरा कहने का मतलब, कई लोग यीशु को तो ग्रहण किया लेकिन पॉकेट को छूने नहीं दिया। बगल वाला को देख के पूछिएगा, आपकी कहानी तो नहीं हो रही है ना, आपकी कहानी तो नहीं हो रही है ना। अरे बाप रे बाप, यीशु को दिल दे दिया, दिल बिना चलता लो। Listen, if you really, really accept Jesus, if you start walking with Jesus, you will be a child of a light. अब रोशनी के संतान हो जाएंगे, अधर्म आपके जीवन में सटने के लिए जगह ही नहीं रहेगा। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। No other book in the whole world, I want to tell you, no other book in the whole world could show where the root cause of all the trouble is. ये संसार के सारी पापों का जड़ कहां करके दुनिया के खोल
कोई किताब में आप नहीं पढ़ेंगे, केवल मेरा धर्म शास्त्र बाइबल बतलाती है। जब परमेश्वर ने उनको एक सुरक्षा के जगह पर रखा था, आदम और हव्वा को, पहला व्यक्ति को अपने स्वरूप में रखा था और उनको थोड़ा रकाम भी दिया था, और मेरा धर्म शास्त्र बाइबल बतलाती है उनसे पेंट करने के लिए, उनसे संगति रखने के लिए प्रतिदिन चले आता था। लेकिन एक दिन जब चले आया, उसकी बनाई हुई सृष्टि वहां नहीं है, उसका खोजने वाला वो खोज रहा था लेकिन वो नहीं है। और बाइबल को आप किस प्रकार पढ़ते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ड्रामेटाइज करके पढ़ता हूं। परमेश्वर शाम को चले आया क्योंकि उसकी महान इच्छा ये रहा कि मनुष्य के साथ वो संगति रखे। सरदूत दिन प्रतिदिन आराधना करते थे, उससे उनको मन में शांति या तृप्ति नहीं रहा। 24 घंटे पवित्र 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 करके सारी बाजाओं के साथ आराधना करते हैं, उनसे तृप्त नहीं हुआ। इसलिए अपने मन की बातों को बांटने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए, अपने मनसा को बांटने के लिए अपने समानता में आदम और हवा का बनाया करके मेरा धर्म शास्त्र बाइबल बतलाती है। Can you see the heart of God now? Brothers and sisters, I don't know how many times you meditate on this. आप कितने बार परमेश्वर की दिल की हालत को, दिल की बातों को समझने के लिए कोशिश की है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दिखाने के लिए चाहता हूं। God's greatest desire to have fellowship is his own creation, which was created in his own image. आपके घर में हजार नौकर हो सकते हैं, लेकिन जब आपके घर में आपका एक बालक होता है, आप उससे खेलने के लिए, उससे मगन होने के लिए कितनी कोशिश करें। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसके साथ संगति करने के लिए, प्रतिदिन उस बगीचा में घूमने के लिए, टहलने के लिए, उसे बातचीत करने के लिए, संगति करने के लिए चले आया प्यासे दिल के साथ। वहां आदम नहीं है, आदम, आदम, आदम। उनको मालूम है चिप गया, लेकिन तभी उसकी मुंह से निकालने के लिए जाते, कहां कहां, I have come down from all the way to meet you, मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए चले आया, लेकिन तू कहां चला गया आदम, आदम तू कहां चला गया। आप में से कई लोगों को मालूम है, परमेश्वर ने जिस पेड़ को मना किया था, उस फल को खाने के चलते आदम को डर आया, आदम अपने को समझा मैं नंगा हो गया, क्योंकि उसके बदले परमेश्वर की महिमा उसको टांप रखा था, लेकिन अभी महिमा को खो दिया, महिमा उसमें से चली गई, इसलिए वो परेशान है। परेशान होके उसने सोचा अपने क्रिया से, अपने हाथ के काम से उस नंगाई को मैं टांपू। लेकिन दोपहर होते होते उसका खाद की क्रिया खेल तमाशा बन गया, वही उसको पकड़वाने के लिए रास्ता खोलेगा, इसलिए चलने के समय चल 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 आवाज आ रहा है, वो डर गया, अरे बाप रे बाप, मेरा हाथ का क्रिया मुझे पकड़वाएगा, मैं अपने धर्मिकता से अपने को छिपाने का ताकत को खो बैठा हूं करके जाके छिप गया था। और जब परमेश्वर ने उसको सामने बुलाया, आप उस कॉन्वर्सेशन को पढ़िएगा तीसरा अध्याय में, घर में जाके आराम से, इवन दो गॉड न्यू एवरीथिंग, बट स्टिल ही वाज आस्किंग एज इफ ही डजंट नो एनीथिंग। परमेश्वर का सब मालूम है, बगीचा में क्या हुआ मालूम है, सैतान ने इनको बरमाया करके मालूम है, हवा उनके पलखाए में आके खा गई करके मालूम है, हवा ने आदम को भी गिरा दिया उसको मालूम है, लेकिन तो भी he came as a very innocent child like आदम, आदम क्यों डर गया बेटा, क्यों डर गया, कैसा डर तुम्हारे जीवन में चले आया जबकि मैं साथ ही हूं तुम्हारे संग। आदम हारा, मैं नंगा, मुझे पहचान आ गया, मैं नंगा हूं, इसलिए आपके सामने कड़क होने के योग्य नहीं हूं, मैं नंगा होने के चलते आपके सामने कड़ा नहीं हो सकता सामी, इसलिए किसने कहा बेटा तुमको, तुम नंगा करके किसने कहा, देखिए क्या नीचे सी God, even though he was tried to that glory, even though
he was standing naked, but Jesus, that the Lord said, "Kisne kaha beta? Main hoon na, mere aahon mein, mere angno mein tumhe kisne kaha?" Can you see the gentleness of God, Parmeshwar ki us komalta ka kya aapne pehchana sarab? मनुष्य एक सांझ के लिए ठहरा नहीं, परमेश्वर की सलाह के लिए ठहरा नहीं, अपने मन में जो आया तुरंत बहुत हेस्टी से उसे कर लिया, तो भी मेरा प्रभु उसके साथ ये पूछा नहीं, मैं इधर रोज आता था ना बेटा, रोज शाम को तुझसे मुलाकात करने के लिए आता था ना, तुम क्यों मेरे लिए ठहरा नहीं करके पूछते नहीं? आप ऑफिस में आने से, ऑफिस से आने से एक घंटा विलंब हो गई, पत्नी तो आपको 8 बजे इंतजार करके आपके लिए अच्छा खाना खर गरम गरम आते ही गरम गरम खाएंगे क्योंकि थके आएंगे करके बहुत प्यार से गरम गरम बना के रखी थी, लेकिन किसी कारण से या मुंबई के ट्रैफिक के चलते आप 2 घंटा लेट आए हैं, वो क्या सोचेगी, ठीक है उनको गर्म खाना नहीं मिलेगा तो हम तो खा लेंगे करके खा लेंगे, वो आपका आदमी क्या सोचेगा, अरे नहीं मैं जाऊंगा ना, थोड़ा नहीं खा सकती है करके, आप खाएंगे नहीं, मुझे मालूम है कई लोग ऐसे रहेंगे, पर सी गॉड, सी योर गॉड, सी योर क्रिएटर, पूछा नहीं मेरे लिए क्यों इंतजार नहीं करके पूछा नहीं, क्यों मेरे लिए इंतजार नहीं किया ना करके पूछा नहीं, किसने बताया बेटा तुम नंगा, किसने कहा, किसने कहा? Brothers and sisters, I want to understand your God in a better way so that you will love him from the bottom of your heart. Aap parmeshwar ka sahi dhang se samjhe tabhi aapke dil mein se uske liye pyar nikalega. Mera bible batlati hai usne apne kriya se apne haath ke kaamon se apne ghanta apne ke liye koshish kar hara hua hai. तीसरा अध्याय में मेरा बाइबल बतलाती है उसने पशु को मार के उसको एक सुंदर ड्रेस पहना के देख रहा है, यू पेई मैन माय एडम माय डियर ईव, यू फेल्ड इन योर ओन जॉब, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू देयर, आई वांट टू ड्रेस यू अप, मैं तुमको छिपाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, दिस इज योर गॉड, ये तुम्हारा परमेश्वर है, गिरा हुआ है, आप वहां नहीं देखेंगे, आदम ने अपना कान धर के नहीं बोला है कि मैं गलती कर लिया हूं, हव्वा नहीं कही है मैं तो गलती नहीं, इसने किया करके दूसरों को ही दोष लगाने वाले बने, आदम भी ऐसे ही, हव्वा भी ऐसे ही, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आजकल तो हम ऐसे करते मान लीजिए गलती को कोई पकड़ ले गए, अगर हमसे बोलेंगे माफी मांगिए छोड़ देंगे, हम लोग क्या कहते हैं, अगर मेरी बात गलती हो माफ कीजिएगा, गलती करके पकड़ा गया लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वहां और हवा के मुंह से ये बात भी नहीं निकला कि मैंने गलती किया, प्रभु आपके मन को तोड़ दिया, आपसे पूछना चाहिए था, मैं एक 2 घंटा के लिए टहर नहीं सका या एक बार के लिए टहर नहीं सका, नो कन्फेशन, प्लीज लिसन, देयर इज नो कन्फेशनल स्टेटमेंट फ्रॉम ईदर एडम और ईव, आदम के पास से हव्वा के पास से एक भी कन्फेशनल बात को मान के अपने स्वीकार करने के लिए बातें निकली नहीं, तो भी मेरा प्रभु ने उनको उड़ाया, दे शुड बी सेफ, विल यू किक दिस गॉड, क्या इस परमेश्वर को आप लात मारेंगे भैया, बहन इस प्यार को क्या लात मारेंगे, आपके मुंह से अंगीकार की भावना आई नहीं, आपके मुंह से जिन बातों को आपने घर बैठा उसके लिए तकलीफ की बातें उठी नहीं, लेकिन वो आपके तकलीफ को समझ के
वो आपके तकलीफ को समझ के वो आपको आपके मांगने के पहले मदद करने वाला। ताली बजा के परमेश्वर की धन्यवाद करो। And I mean, he never asked for us. They never said, we are naked, we cannot go into the world. No! They never asked for a dress. But still, मेरी आवश्यकताओं को वो देखता है, मेरी आवश्यकताओं को वो देखता है, इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार होके मुझे उड़ाने का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। एक और बार हाथ उठा के उस परमेश्वर को हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। I love this God because even before I utter a word, He understands my need. My एक शब्द बोलने के पहले, मेरे मुंह से एक शब्द निकलने के पहले, मेरी मांग को मेरा हृदय पुकारने के पहले, मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पहचान के अपने से काम करने वाला परमेश्वर है यहां। I love this God because of that. मैं मेरे परमेश्वर के इसलिए मैं इतना प्यार करता हूं, मैं इतना उससे प्यार करता हूं, मैं इतना उससे प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसको इस परमेश्वर का दर्शन शास्त्र ने मुझे बताया। This is your God. No other book in the world. No other book in the world. कोई किताब नहीं, इस किताब को छोड़ के कोई किताब नहीं बताया, यही है तुम्हारा परमेश्वर करके बताया। मैं थोड़ा कल्पना भी करता हूं कभी कभी, ना केवल ड्रामेटाइज करता हूं परंतु कल्पना करता हूं। मैंने जैसा कहा मैं सिनेमा आर्टिस्ट नहीं, लेकिन मेरी कल्पनाएं थोड़ा ज्यादा उल्टा। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा चार अध्याय का, आप उत्पत्ति का चार अध्याय का पहला पद पढ़िए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा को सहायता से एक पुरुष पाया है। ए हवा, तुम्ही सब जन का कारण है। आपने कभी गिरा दी खाई अपने से, फिर आदमी कभी खिला के कड़ी कर दी है, और लेकिन अभी सीखा नहीं सीधा। हवा को परमेश्वर की सहायता मिली है बच्चा जन्मने के लिए भी। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। और कितना भी बारी गलती करेंगे उसकी दया की कमी नहीं है भैया, उसकी दया की कमी नहीं है, उसकी दया की कमी नहीं है। ये मेरा परमेश्वर, दिस इज माई गॉड। I don't see a little confession or little understanding from Hava, na? अगर उसी दिन कह देती प्रभु मैं तो आपके लिए इंतजार कर सकता था, लेकिन ये बुड़बक सैतान ने मुझे बेकार बना दिया करके वो मालूम बतला सकती थी, वो नहीं की है। आपने सृष्टि किया ना सुंदर attractive, I was attracted, what is wrong in it? लड़कियों का आपने बनाया सब बातों से खींचा जाने के लिए, लड़कियों को तो ऐसे ही बनाया है, इसलिए कपड़ा दुकान वाला सामने धोती का थोड़ी फैलाता है, साड़ी का ही फैलाता है। आओ, क्योंकि वही लोग अट्रैक्ट होते हैं। धोती का गमछा का थोड़ी वहां पसार के रखा है, आइए हमारा दुकान का, वहां का रंग रंग ब्लेड वाला भी लड़की को ही रखा है क्योंकि लड़की लोग। लेकिन नो, आई एम मेड as an attractive woman only because of you, and you made me to get attracted also. आपने मुझे attractive बनाया और attract करने के लिए भी ताकत रखी है, ये ही बोल रही है। आपने उस शाम से attract करने की बात कर रखा है, इसलिए मैं attract हो गई उसकी बात से, attract हो गई बस नहीं। लेकिन प्रभु ने उसको सहायता करके वो कह रही है वर्दी, but you get me to have a drink. मुझे आप ये संतान को देने के लिए मैं योग्य नहीं, लेकिन तूने मुझे संतान दिया है प्रभु, सहारा से यहोवा के सहारा से मैंने एक लड़का का पाया। ठीक, अभी उसके परिवार में काइन और हवा का बेटा के वो कहानी बतलाती होगी कैसा कैसा हम लोग थे, क्योंकि हम लोग तो बतलाते हैं ना,
हमारा दादा मर्दा मैसूर का महाराजा थे, हम तो उसी प्याले से पीते थे। हम लोग कहते ना अपना बच्चों से, हम कैसा पढ़े थे, हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ हवा भी बतलाती होगी, कायन और हवा को बैठा के बतलाती होगी। हम लोग सुंदर परीक्षा में थे और सुंदर बगीचा में सब कुछ पाया जाता था, लेकिन अभी आपको पापा का इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना पसीना गिराना पड़ता है, और मुझको भी तुम लोगों के जन्म के चलते बहुत उल्टी हुआ और मॉर्निंग सिकनेस हुआ, ये सारी बातें बिना हम लोग दर्द बिना रहते थे, लेकिन ऐसा क्या करेंगे। बाहर भेजा, तुरंत कायन पूछ रहा, मम्मी मम्मी आपका ड्रेस पुराना होता ही नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से स्टिच किया है, कहाँ से खरीदी मम्मी। मैं थोड़ा कल्पना में देख रहा हूँ, बोले दिस इज गॉड गिवन ड्रेस, दैट इज सो ब्यूटीफुल, परमेश्वर का दिया, मम्मी भी कपड़ा बनाई थी लेकिन एक रात को भी टारा नहीं है, पेपर में छुपा थोड़ा सा धूप निकलते ही हमारा हाथ का क्रिया था, चल 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 करने लगा, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ कपड़ा इतना सुंदर है, टेलर्ड फॉर मी, टेलर्ड फॉर मी बाय गॉड, परमेश्वर से। हाँ परमेश्वर आप लोग मारा नहीं है, परमेश्वर आप लोग मार के खत्म कर देना था ना, आपने इतना भारी गलती किया, आप लोग मारा नहीं है। अबा कह रही है मारा जरूर, बगाया है, उसमें ही भलाई कर के बगाया, क्योंकि अगर हम उस बगीचा में रहते जीवन का फल को खा लेंगे, दर्द के साथ श्राप के साथ जिंदगी बिताते, इसलिए प्रभु हम लोगों के मृत्यु को लाने के लिए बाहर भगा दिया था, कि हम जीवन का फल को जो नहीं, परमेश्वर उसमें भी भगाने में भी भलाई किया है। हाँ मम्मी, हाँ परमेश्वर इतना दयावंत है। सुनिए हवा कह रही है, ये अनुग्रह बेटा, ये अनुग्रह उसी को कहते हैं, जिसको देने के लिए योग्य नहीं है उसके ऊपर दया की जाती है ना, उसी का अनुग्रह कहते हैं। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करना। सबने गुण गारों को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सब कोई पापी से प्यार नहीं कर सकते हैं, सब कोई गिरे हुए लोगों से जो उनकी बातों का नहीं मानते उनके साथ प्यार नहीं कर सकते हैं, लेकिन माय गॉड मेरा परमेश्वर उस दशा में भी दया दिखाने वाला, दया दिखाने वाला, दया दिखाने वाला, उसी को ही नाम देता है मेरा, मेरे देती है मेरे बाइबल, अनुग्रह, ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। लेकिन यहां एक बात को समझे, जब उस ग्रेस की बात को कायन ने सुना, उसने अपना भाई को मार दिया, शायद आप जानते हैं, दोनों पूजा करने के लिए गए, दोनों भेंट चढ़ाने के लिए गए, कायन की बातों को, कायन की बातों को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके जीवन में पाप पाया जाता था। और उस समय उसने क्रोध में होकर कायन को मार डाला। प्रभु पूछता है, अभी अभी चौथा अध्याय में चले आइएगा, प्रभु पूछता है कायन तेरा भाई कहां है। कठोर हो रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं, जितना अनुग्रह का परमेश्वर है मनुष्य उतना पाप में डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, कठोर हो रहा है। क्या हम ही रखवाली है, हम क्या सिक्योरिटी का हम कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उसका सिक्योरिटी देने का, और हमसे पूछते हैं, कैन यू सी ब्रदर्स, कैन यू सी माई डियर डॉटर्स, जितना परमेश्वर अनुग्रह का प्रदान किया उतना ही मनुष्य कठोर होते गया, कठोर होते गया। आदम और हव्वा ने तो कठोर किया, परंतु उसके बच्चे कायन उससे पूछा जा रहा, तुम्हारा भाई कहा, क्या मैं टिका लिया हूं, क्या मैं उसके लिए रक्षा करूंगा,
अरे तुम्हारा भाई का खून फुकार रहा है, इसलिए जिस पृथ्वी ने तुम्हारा भाई के खून को पीने के लिए अपना मुंह खोला, इसमें तुम श्रापित रहोगे। इसके अलावा तुम एक व्यागवान जैसा इधर उधर तुमने घूमने वाला रहोगे। काइन क्या कहता पढ़िएगा, चार अध्याय 13वां पद, 13 और 14 पद। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, भूमि पर से निकाला है, और तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर अर्पने वाला और भगोड़ा रहूंगा, भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे खा, जो कोई मुझे देखेगा खत्म कर देगा। भैया इज देयर एनी विक्टिम arguing with the judge, खून किया है, मर्डरर है, रंगे हाथ पकड़ाया गया है, प्रभु के सामने कड़ा किया गया है, और परमेश्वर से कहता है सुनिए दंड दीजिए लेकिन थोड़ा सा दीजिए, जरूर तो खून देखा गया है, इतना दंड मत दीजिएगा। अरे बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए आप ही के जैसे ही है, आप ही के जैसे ही है, इतना दंड क्यों देते हैं, मैं इतना भारी, अन्य लोग इतना इतना भारी गलती करते हैं, हमको नहीं करते, लेकिन हमको तो जब यीशु मसीह चेलों तीन चेलों को प्रार्थना करने के लिए ले गया था, तीनों सो रहे थे, लेकिन बाइबल में दिखा है और आके पत्रस से पूछा, पत्रस एक घंटा अगर मैं रहता बोलता मैं ही सोते दिखा, ये दोनों सोते दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे भैया तुम्हारे लिए ज्यादा जिम्मेदारी देने के लिए तुमको टोकता है, पगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए ज्यादा जिम्मेदारी देने के लिए तुमको थोड़ा ज्यादा टोकता है। तुमको प्रधान बनाना भैया, उन्नों से बढ़कर बनाना, इसलिए तुमको मैं पूछ रहा हूँ, पत्रस एक घंटा क्यों नहीं सो रहा है, मैं जरूर रहता, मैं बोलता हूँ क्या करता हूँ, क्या तुम नहीं सो रहा, उसके नजर उसके नजर तीनों क्यों सो रहे हैं, पूछना चाहिए पत्रस क्यों सोच रहा है, या हम ये पकड़वाइएगा। हम कठोरे बनते हैं, उसकी दया को देखते नहीं है, उसके पीछे की बातों को देखते नहीं है। काइन कहता है आप ज्यादा दंड दे रहे हैं, इतना दंड क्यों दीजिएगा, हम हमको पता नहीं, हमको दुनिया में देखेगा तो कोई मार देगा, अगर मैं कहता मैं वहां न्यायाधीश होकर बैठता, मैं जज के रूप में बैठा, तुमने मारा इसलिए मारने वाला मारखाना ही है, क्या कहता, लेकिन मेरा प्रभु कहता ना बेटा, मैं तुमको एक चिन्ह देता हूं ताकि तुमको देखने वाला ना माने पाए, ताली बजाए के परमेश्वर के दया परमेश्वर के आने के लिए जो मैं देखता हूं मैं रोता हूं भैया, मेरा आंखें रुक नहीं पाती है, क्या प्रभु तुमसे लड़ रहा है, गुनाह किया है, इसके अलावा लड़ भी रहा, लेकिन आप कहते हैं तुमको मैं बचाने के लिए तुमको मैं चिन दूंगा भैया, चिन दूंगा। उसी अध्याय की एक और बात को कहकर मैं अंत कर रहा हूं, काइन का एक बेटा हुआ, उसका नाम लामेक है, परमेश्वर ने उसके पास बहुत सामर्थ्य रहने के बावजूद ही एक औरत के लिए एक को रखा, लेकिन लामेक ने एक स्टेपनी का भी लग दिया, जैसा स्कूटर में टायर पंचर होने से या गाड़ी में टायर पंचर होने से पीछे एक टायर का लटका के रखते हैं, वैसे ही बगल वाला से पूछ लीजिएगा आपके पास नहीं ना है। कई लोग बॉम्बे में स्टेपनी रखते हैं करके मुझे सुनाई पड़ा, लड़की लोग भी रखती है, क्योंकि कोई कहता पासवान रखता है हम क्यों नहीं रखेंगे। यही पगला आदमी है, दिखाया है ए हमको एक स्पेयर टायर चाहिए, एक टायर से काम नहीं आता, दूसरा टायर चाहिए, तो शादी किया, अब शादी करके वो क्या कहता है, थोड़ा सा उसको दिखा के मैं खत्म कर रहा हूं, उत्पत्ति 4:23। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, लेकिन अच्छा आदमी है, मेरी सुनो, एक मिनट
चिट्ठी लिखने से इसको भी कॉपी करके ही दिखेगा। आधा सिल्ला सीसी कॉपी देख के ही वो चिट्ठी लिखता दोनों को बराबर ट्रीट करता, लेकिन वो क्या कहता है देखिएगा। हे आदा, हे आदा, और हे सिल्ला, हे सिल्ला, मेरी सुनो, मेरी सुनो, हे नेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ, कान लगाओ। मैं एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाया था, मुझे चोट लगाया था उसको मैंने, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है, घात किया है। और वो अपने से अभी जजमेंट भी सुना देता, बोलिएगा। जब कैन बदला 7 गुना लिया जाएगा, कैन के लिए अगर 7 गुना लिया जाएगा, मेरे लिए 70 गुना। अरे बाप रे बाप, यही अपने लाभ में ले लिया, अनुग्रह 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 ले लिया। Can you see the rottenness of man and the gentleness of God? मनुष्य और कठोर हो रहा और हार्ड बढ़ते जा रहा, जितना पाप को बढ़ते करता। कैन को आपने क्या मेहर ले रखी, उसके क्या हमारे 7 गुना कीजिए। अरे बाप रे बाप, इतना कठोर होने के बावजूद, मनुष्य अपनों का कठोर बनाने के बावजूद, मेरा प्रभु का कृपा में परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने एकलौता पुत्र को भेजा ताकि वो मेरे जगह पर आके पाप का दंड करे। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। That is how he decided to finish the penalty of sin. पाप की दंड को समाप्त करने के लिए परमेश्वर दया उंडेलते रहा, उसकी कोमलता बढ़ते रही और उसके अनुग्रह बढ़ते रहा। लेकिन जब मनुष्य का समझ में नहीं आया, परमेश्वर के एक ही उपाय करना पड़ा, अपना एकलौता पुत्र को ही मेरे लिए, आपके लिए, ताकि मैं पाप के दंड से उद्धार पाने के लिए, हमेशा के लिए फिर थाप लगाने के लिए मेरे यीशु को क्रूस पर बलिदान करना पड़ा। I want to tell you, the salvation start with the cross. कल मैं इसको विस्तार रूप में और बतला के मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपने परमेश्वर की दया को पाने के लिए कितने कठोर करने के बावजूद भी उसने अपना उत्तम चीज से आपको तृप्त करने के लिए चले आया, उसको देख पा रहे हैं? अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसका प्यार को आप लात मार रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, आज मेरा बाइबल बदला दे, आज उदार का दिन है, आज उदार का दिन है। He has done everything for you. उसका accept कीजिए, उसने आपके लिए सब कुछ कर लिया, उसका accept कीजिए, बस इतना ही आपका काम है। क्रूस पर सब कोई अपने आंखों को बंद करे। कल मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा, परंतु उसके पहले ब्रदर अगस्टिन जब कमा, मैं और अपने दिल को कठोर करते ही जा रहा हूं। प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर बरसाया जाता है, लेकिन मैं उसको वो छोटे समझते, उसकी जेंटलनेस को, उसकी कोमलता को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन आज मैं समझ रहा हूं, even though I am hardening my heart, my God does show his grace on me. मैं इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, मैं उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर आप कहेंगे भैया मैं इस अनुग्रह की इतनी गहराई से सोचा, इस अनुग्रह को लेके आगे बढ़ने के लिए अगले 2 दिन से भी परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, अभी संपूर्ण समर्पण के साथ मेरे पाप के तमाम दंड से मैं छुटकारा पाया करके निर्णयता को लेने के लिए, निश्चयता को पाने के लिए, मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपता हूं। मैं एक लाइन को गा रहा हूं। अगर आप कहेंगे मुझे आज परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर ध्यान गया है, मैं इस अनुग्रह में जीने के लिए अपने को सौंपता हूं करने वाले,
अपने दाहिने हाथ को उठा के दिखाने से मैं आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पापा मैं अनिल कोचर आके आपको प्रार्थना में अगुवाई कर धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से दुखीत हो तक भी गए घबरा गए जिंदगी से दुखीत हो तक भी गए घबरा गए जिंदगी से पास आओ मैं तुम्हें शांति आ रहा देता हूँ पास आओ मैं तुम्हें शांति आ